अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाँचवीं जमात के बच्चों, आज आपको थर्ड बीट और फोर्थ बीट समझना है। बच्चों, थर्ड बीट में देखिए, इन अल्फाज की अज़दाद लिखिए। अज़दाद ये ज़िद की जमा है बच्चों। इसके माना है अपोज़िट, किसी भी चीज़ का उल्टा। ठीक है, जंगल इसका अपोज़िट। इसका ज़िद क्या आएगी इसकी? शहर। नेक, इसकी ज़िद क्या आएगी? बद। देश, विदेश। इंसान, हैवान। सीधा, उल्टा। इल्म, जहल। उसके साथ साथ बच्चों फोर्थ बीट समझिए आप लोग। ज़ेल के दोनों लफ्ज़ों को मुनासिब हर्फ से जोड़िए। सुनिए, इन जो लफ्ज़ यहाँ पर लिखना है हमको डैश में, वो हुरूफ़ रब्त हैं। हुरूफ़ रब्त जो दो लफ्ज़ों को एक माना देते हैं, वो क्या होते हैं? हुरूफ़ रब्त होते हैं, यानी उन दोनों जुमलों को मिलाता है वो हुरूफ़ रब्त। रब्त के माने मिलाना। देखिए, ये अहमद डैश घर है, ये अहमद का घर है। शादान डैश कलम खरीदा, शादान ने कलम खरीदा। कलम मेज़ डैश है, कलम मेज़ पर है। ये शिफा डैश किताब है, ये शिफा की किताब है। घड़े डैश पानी लाओ, घड़े में पानी लाओ। मैदान डैश खेलो, मैदान में खेलो। ये डैश में जो जो हर्फ आया है बच्चों, वो हरूफ़ रब्त है। तो इन दोनों बिट्स की आप क्या कीजिए, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।